ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या के लगभग 6 महीने बाद मुंबई पुलिस आज इस मामले में विशेष अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने वाली है। इन आरोपियों में भगुआ माफिया सरगना छोटा राजा भी शामिल है। इसके अलावा बाद में एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा। जेडे मिटे समाचार पत्र में अपराध संवाददाता थे। उनकी गत 11 जून को छोटा राजन के इशारे पर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार के खुदरा बाजार में विदेशी विनिवेश के मंजूरी दिए जाने के फैसले को सही बताया। आज नई दिल्ली में किसानों के एक समूह ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात की। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी जिस देश की कमजोर हो जाएगी वो देश कमजोर हो जाएगा। जो आपने एफडीआई का मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। व्यापारी और किसान दो वर्ग हैं। किसान से व्यापारी खरीदता है, जो उत्पाद होता है किसान करता है और व्यापारी खरीदता है। किसान बड़ी मेहनत से उसको कमाता है, जब उसका लास्ट बिक्री का टाइम आता है तो 5 रुपए जाता है और वो व्यापारी उसको 25 रुपए या 30 रुपए किलो बेचता है। अब किसान इतने चले और इस एफडीआई को किसान के लिए लागू करें ताकि किसान को डायरेक्टली उसका फायदा हो। और अब खेल की वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत ने कल 5 विकेट से जीत हासिल की। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 270 रन का लक्ष्य रखा। मैच में रोहित शर्मा ने जहां नाबाद 90 रन बनाए वहीं विराट कोहली ने 8वां वनडे शतक जमाया। कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के खिलाफ रोमांचक प्रदर्शन के बाद अब चैंपियंस चैलेंज ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने को तैयार है। ग्रुप स्टेज में भारत दक्षिण अफ्रीका को 7-4 से हरा चुका है, लेकिन सेमीफाइनल में दोनों ही टीमें नए सिरे से मुकाबले में उतरेंगी। चैंपियंस चैलेंज हॉकी टूर्नामेंट में अब तक